वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंगू का कहना है कि रीवा शहर के अंतर्गत शहर में बेटियों के स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए मात्र 3 शासकीय कन्या विद्यालय संचालित हैं, जिसमें पीके स्कूल, एसके स्कूल और पांडे टोला में स्कूल हैं। गुरमीत सिंह मंगू द्वारा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चियों के हित में पीके स्कूल के साथ साथ 2 अन्य कन्या स्कूल को सीएम राइज स्कूल के रूप में परिवर्तित करने के बजाय शहर के अन्य विद्यालय का चुनाव करने के संबंध में मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के समक्ष अपनी बात मीडिया के द्वारा रखी गई। रीवा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा। बता दें, जिला न्यायालय रीवा के साथ साथ ये आयोजन तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज और हनुमना में भी किया गया। लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट भी दी जाएगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण के लिए जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 45 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें से 27 खंडपीठ जिला न्यायालय रीवा में, 18 खंडपीठ ने तहसील न्यायालय में गठित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर एवं बैंक संबंधी प्रकरण रखे जाएंगे। रीवा शहर के बिछिया मोहल्ले में रात आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ व गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर बैठी महिला को खदेड़ते हुए लाठी डंडे से न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि हवा में कई राउंड गोलियां भी चलाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में घंटों हड़कंप की स्थिति निर्मित रही। पुलिस की माने तो गोली चलाने की यह घटना नशे के कारोबार से जुड़ी हुई हो सकती है, जिसमें नशे के तस्करों के बीच हुए पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की बात करते हुए हवाई फायरिंग कर फरार हुए बदमाशों की तलाश कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की बात सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज शिवसेना पार्टी के द्वारा रेलवे मोड़ के पास विशाल वाहन रैली निकालते हुए भाजपा कार्यालय के सामने शिवसैनिकों ने बेरोजगारी एवं महंगाई का पुतला दहन किया और रैली को आगे बढ़ाते हुए शिवसैनिक जयस्तंभ चौराहा, स्टैचू चौराहा और प्रकाश चौराहा तक शिल्पी प्लाजा होते हुए स्वयंवर विवाह मैरिज गार्डन पहुंचे, जहां सभी शिवसैनिक संभागीय बैठक में उपस्थित हुए। इस दौरान शिवसेना के उपराज्य प्रमुख सुरेंद्रनाथ दुबे, जिला प्रमुख कृष्ण गुप्ता और संगठन प्रमुख सुजय सिंह सहित शिवसैनिक उपस्थित रहे। जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। और आप हर सामान का कीमत का देख लो ना, आप मार्केट में कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि एक जनता को, एक जो निम्न वर्ग का लोग है वो और मध्यम वर्गीय लोग उसका कहीं भी खरीद करने में एकदम अपने को असफल महसूस कर रहा है। और बेरोजगारी तो ऐसी है कि हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं, कहीं पर रोजगार उनको नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, या तो आप इनका निराकरण करो या नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। शिवराज सिंह होश में आओ। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। सीधी में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक सोनी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जनता को अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहा है। विगत दिनों हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली और गोवा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों के साथ अपना खाता खोल गोवा में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आगे जिलाध्यक्ष विवेक सोनी ने बताया कि पंजाब की प्रचंड जीत से देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जुनून है। इसी कड़ी में आज सीधी जिला संगठन मंत्री कर्ण राज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिले में विजय यात्रा निकाली गई। उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक में जनपद शिक्षा केंद्र में TLM शिक्षक सहायक सामग्री निर्माण प्रतियोगिता और मेले का आयोजन हुआ, जिसमें प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों और बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक बच्चों की कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने और शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह सामग्री शिक्षक द्वारा विषय और विषय वस्तु के अनुरूप लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से निर्मित की जाती है, जिसके लिए विभिन्न स्तर पर TLM मेले और सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
इसके उद्देश्य एवं निर्देश शासन द्वारा दिया गया। यह सामग्री कबाड़ से जुगाड़, बेकार वस्तुओं से प्राकृतिक और कम लागत सामग्री से विकसित हो सकेंगी। ऐसी अवधारणाओं पर कार्य करते हुए सामग्री के निर्माण में शिक्षक अपने सहयोगी समूह के साथ कार्य करेगा। ये TLM शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण प्रतियोगिता एवं मेले का आयोजन विकास खंड स्तरीय जनपद शिक्षा केंद्र करकेली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों द्वारा बच्चों की गुणवत्ता सुधार के लिए जो शिक्षण में जो आवश्यक सुधार के लिए जो सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, शिक्षकों ने उसे निचले स्तर से तैयार करके और हमारे शाला स्तर पर, जनशिक्षा केंद्र स्तर पर और विकासखंड स्तर पर इसे तैयार किया है और आज विकासखंड स्तर पर इसका प्रदर्शन कराया जा रहा है। चयनित शिक्षक वहां से और बच्चों का समूह, विद्यार्थी बच्चों का समूह भी यहां पर उपस्थित हुआ है। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, डाइट के प्रतिनिधि, हमारी पूरी टीम यहां पर उपस्थित है और सभी शिक्षक और विद्यार्थी समूह यहां पर उपस्थित होकर के बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी शासन की गाइडलाइन के अनुसार समस्त व्यवस्थाएं यथा निर्देशानुसार की गई है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। उप स्वास्थ्य केंद्र भीड़ में अव्यवस्थाओं की भरमार है। न पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध है और न ही शौच के लिए शौचालय। ANM कुसुम सिंह ने बताया कि महीने से यहां 40 से 50 डिलीवरी पॉइंट आते हैं और उनके पास पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है और ना ही शौचालय की। मरीजों के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। शौचालय टैंक काफी समय से भरा हुआ है जो आज तक साफ नहीं हुआ। कुसुम सिंह ने बताया कि कैंटीन तो बनाई गई है लेकिन आज तक कभी संचालित नहीं हुई। यहां आए हुए मरीजों को डिलीवरी के बाद चाय और भोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पूरी तस्वीर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती है जिसमें कैंटीन के नाम पर लाखों रुपए का भारी भरकम बिल शासन से मिलता तो है लेकिन ये जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ANM कुसुम सिंह स्वास्थ्य विभाग सहित शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग कर रही हैं। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, डिलीवरी लेके आए हैं तो पानी भर का सुविधा नहीं है, न लेटरिन का, न बाथरूम का, काहे का सुविधा नहीं है। और चाय वही कुछ होगा, कुछ नहीं। तो कहाँ से आप सब लोग ये व्यवस्थाएं करते हैं? पानी जब ले आए हम घर से, पानी चाय घर से ले आए हैं। नाम क्या है आपका? राम बते गुप्ता। अभी बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां मामूली से पैसों के विवाद के चलते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसमें घायल युवक को ब्योहारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां वह जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिजहा में दोस्त विवेक और भरत अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पी रहे थे और इसी दौरान पैसों के लेन देन को लेकर आपस में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि भरत ने विवेक पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिसे वहां मौजूद अन्य दोस्तों ने आनन फानन में उपचार के लिए जयसिंह नगर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान विवेक की हालत बिगड़ती देख उसे ब्योहारी अस्पताल रेफर किया गया जहां वह जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला कायम कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।